जो अपने आप को पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे इसलिए समझदार हैं, वाइस हैं, इसे समझने वाले, ये जो भ्रम है वही पढ़े लिखे का मतलब क्या है, ये भ्रम जाल से उनको कैसे मुक्त कराएंगे, ये चैलेंज अभी भी है हमारे सामने। ये आसान नहीं है मैं समझता हूँ, क्योंकि जिस तेजी से सब लोग जो रिसर्च करने वाले लोगों को विस्तारित कर रहे हैं, उनको सबको ग्राम स्वराज तो दूर रहा, वो सब स्लम्स में पहुँच गया है, स्लम्स में जीने के लिए बाध्य हो गया। तो ये रचना को चैलेंज करना, इस दौड़ को रोकना और फिर ग्राम स्वराज की ओर वापस जाना लंबी दौड़। सर स्लम से मुझे बहुत अच्छा याद है, नोएडा में एक छोटा सा गांव था और वो गांव हुआ करता था, और उनके आसपास के सब लोगों ने ज़मीन बेच दी अपनी, और आसपास में वो उन लोगों ने नहीं बेचा, वो गांव की वजह से, गांव है हमारा। लेकिन जब आसपास 25 और 16 और 18 मंजिल की जो बिल्डिंगें खड़ी हो गई, उनका जो गांव था वो स्लम बन गया, वो बीच में था वो स्लम बन गया, और कैसे बचाए फिर अपने घर को, वो तो स्लम में आ गया मतलब। वही पद्धति है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो गांव को स्लम बनाना जी, वो स्लम बनाने के बाद स्लम डिमोलिश करने का एक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव डिमोलिश करने का कोई एक्ट नहीं, स्लम डिमोलिश करने का एक्ट है। तो पहले स्लम बनाना पड़ता है, बॉम्बे में नहीं करते, बॉम्बे में वास्तव में एक युद्ध भूमि है, ये स्लम्स जिसको हम गए बड़े बड़े सारे, वो सारा हंगामा, तो उसमें कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसमें रियल इस्टेट वालों का बहुत पैसा इन्वॉल्व था कि बहुत सारी बस्तियाँ खाली करवाई गई। आज तो सिर्फ 6% लैंड इन स्लम वालों के पास, उसको भी खाली कराने में लगे, सिर्फ 94% लैंड आपने कब्जा कर लिया जी, अब 6% लैंड गाँव वालों के, स्लम वालों के पास है, उसको भी खाली करने में लगा हुआ है। और बहुत तेज़ी से वो फार्म हाउस के नाम से, 6 लैंड रोड के नाम से, एयरपोर्ट के नाम से, थाने की ओर और रायगढ़ की ओर बढ़ रहा है। तो शहर का जो एक्सपेंशन है वो गांव को रहने नहीं देंगे, और गांव में जिस प्रकार अभी बाहर के लोग ज़मीन पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं, फार्म हाउस बना रहे हैं, इसलिए ग्राम स्वराज के सारे संभावनाओं को समाप्त करते हुए, तहस नहस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये भी कहना बहुत ज़रूरी हो गया कि ये तो बिल्कुल सपना है, ग्राम स्वराज कैसे होगा। जैसे ना आपने बताया, ये सारी स्थितियाँ इतनी भयानक भयानक है, और फिर आप दो रास्ते बताते हैं, मनाओ और दबाओ, तो क्या उससे अचीव हो सकता है? मुझे लगता है कि आ सकते हैं, चर्चा करते समय ऐसा लगता है कुछ लोग सही में विक्टिम है, और विक्टिम की स्थिति को एंजॉय करने लगे, इस व्यवस्था के विक्टिम है और वो एंजॉय करने लगे हैं उस स्थिति को। कुछ लोग विक्टिम है लेकिन उससे वो निराश है, उनका विक्टिमाइजेशन हुआ है, उनको महसूस हो रहा है, उनको बाहर लाया जा सकता है। जो जिनको इसमें मज़ा आने लगा है, जिसमें गंदगी में मज़ा आना लगा है, तो उसको बाहर नहीं ला सकता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये गलत जगह फंस गए हैं, उनको बाहर लाया जा सकता है। ऐसे सोचने वाले लोग पढ़े लिखे लोगों में भी हैं जो मजबूरी में वहाँ हैं, लेकिन वो मौका मिले तो बाहर निकलना चाहे। ऐसे लोगों के साथ संवाद की गुंजाइश है, मनाव की गुंजाइश है, व्यापक रूप से परिवर्तन के लिए दबाव की गुंजाइश है। क्योंकि आप लाखों लोगों को लेके इस पूरी विकास पद्धति पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार को बाध्य करेंगे जी, और वो इतने बड़े जन आंदोलन हो इस देश में तो पूरे विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने के लिए सरकार बाध्य हो जाए। आज की स्थिति में वो दिखाई नहीं पड़ता, पूरे विकास के मॉडल पर पुनर्विचार करने लायक कोई हम बाध्यता उस पर खड़ा नहीं कर पा रहे। अब वो कोशिश भी कर रहे हैं कि बाध्यता बनाने वाले लोगों को तोड़ा जाए, उनको कम कमज़ोर किया जाए। बहुत व्यवस्थित तरीके से हम काम करेंगे, तो इस देश के तमाम जन संगठन, जन आंदोलन मिलकर ग्राम स्वराज के पक्ष में, आम लोगों के पक्ष में एक वॉइस मिल सकता है। अब वो वॉइस शायद सर इस व्यवस्था को रीथिंकिंग के लिए बाध्य करेंगे। जैसे ओबामा जब चुनाव के वक्त कहते हैं कि मैं यहाँ से लॉबिस्ट को वाशिंगटन से भगाऊंगा, तो लॉबिस्ट वही शराब के लॉबिस्ट, लोहे का लॉबिस्ट, सीमेंट के लॉबिस्ट, हथियार बेचने वाले लॉबिस्ट। सी लॉबिस्ट जब तक चारों चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं तो ग्राम स्वराज के लॉबिस्ट कम है, कम है। ग्राम स्वराज के जो लॉबी है वो कम है, क्योंकि उनको पता है कि उनके हित में नहीं है, तो लोगों को स्वावलंबी होने दो। तो
लोग अपने जीवन के बारे में खुद डिसीशन ले रहे थे, तो ग्राम स्वराज के प्रति लॉबी कम है। वो व्यापक लॉबी इस देश में बननी चाहिए कि लोग कहें इस विकास को हम एक दिन भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक भिन्न ढंग के प्लूरल तरीके के एक विकास मॉडल पर विचार करने की आवश्यकता। हाँ, वही विकास का वो मॉडल क्या होगा, हम लोग बस कंक्लूड करते हैं बातचीत का। विकास का वो मॉडल क्या होगा? वही होगा स्वावलंबी समाज की जी, जिसको मैंने पहले कहा कि स्वावलंबी परस्पर अवलंबी जो समाज है जी, कि परावलंबी समाज का जो मॉडल है आज का जो मॉडल जी, इसको तोड़ सके जी। और लोग अपने स्वावलंबी जीवन पद्धति को फिर विकसित कर सके जी। और आसपास जहाँ जहाँ समाज है उनके साथ एक प्रकार का रिश्ता बना सके। वो समाज जो को साथी मॉडल क्या हो, किसी समाज के लिए आर्थिक मॉडल की ज़रूरत तो होती है। अगर हम इस तरह से कोई गांव का समाज ऐसी कोई कल्पना हम करते हैं, गांव से नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने की कल्पना करते हैं, तो उसका आर्थिक मॉडल क्या होगा? ये था इस देश में पहले, अभी मैं जितने गांव में घूम के आया वहाँ सब लोगों ने कहा कि यहाँ के सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, कुम्हारी भी गया, लोहारी भी गया, बुनकरों की जो स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश जैसे प्रांत में बुनकरों की जो स्थिति हुई है बेकरार, बहुत ख़राब है। उनके पास दाने दाने के लिए मोहताज है। तो एग्रीकल्चर जल जंगल जमीन आधारित जीवन पद्धति, उसके साथ जो इंडस्ट्रीज है कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो पहले थे, तेलगानी भी रहा है, बाकी प्रकार के बैम्बू इंडस्ट्री भी रहा है। अभी मैं देखता हूँ कि जो बैगा जाति है आदिवासियों में वो कम्प्लीटली बैम्बू क्राफ्ट्समैन, बहुत अच्छे क्राफ्ट्समैन, और वो बैम्बू के बहुत अच्छे मटेरियल बनाते हैं, नियरेस्ट आदिवासी मार्केट में बेचते हैं और वे मेरे लिए उनको कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर्याप्त कमाई भी करते हैं। लेकिन अब उनको ये महसूस कराया जा रहा है तुम सब चोर, क्योंकि बैम्बू काटने के लिए जो जाएंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जगह तुम चोर, तो स्वावलंबी समाज को आप ये महसूस कराओगे तुम चोर हो तो उनका स्वावलंबी से होगा। और दूसरी तरफ आप टन के टन बाँस काट काट के पेपर फैक्ट्रियों को बेच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जल जंगल जमीन आधारित एक जीवन पद्धति है, उसको और विकसित किया जा सकता है, उसको और फैसिलिटेट किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ भी असमानता है। ऐसा नहीं कि सब गांव स्वर्ग बन गया, वहाँ भी असमानता है, जमीन कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है। वास्तव में गवर्नमेंट इंटरवेंशन उसमें चाहिए। जीवन जीने का संसाधनों का समान बंटवारा हो, बहुत हद तक समान बंटवारा हो, ताकि सभी लोग इन जीवन जीने के संसाधनों का, भगवान का, कुदरत साधनों का इस्तेमाल कर सकें और उसको और अच्छा बनाने में गवर्नमेंट हेल्प कर सकते हैं, उनके लोकल प्लानिंग लोकल एक्शन को मदद कर सकते हैं। फिर इन संसाधनों से जुड़ा हुआ कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल इंडस्ट्रीज की बहुत गुंजाइश है, जो पहले रहा है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को थोपने के बदले, बड़े बड़े माइनिंग कंपनियों को लाने के बदले इस ऐसी एक इकोनॉमिक मॉडल की संभावना बहुत है, और ऐसा एक इकोनॉमिक मॉडल है ही। अब जैसे जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है मेढालेहा, वहाँ महाराष्ट्र, हाँ ये अपना महाराष्ट्र का जी जी जहाँ मेढालेहा, तो वहाँ क्या है वास्तव में ग्राम समाज ने तय किया है कि ये जंगल हमारा है, इसकी उपज हम इकट्ठा करेंगे, हम बेचेंगे, हमें तुम्हारे कुछ लेना देना नहीं, हमारे ग्राम समाज बैठकर ये सब तय करेंगे। तो ऐसे कई मॉडल्स हैं, लेकिन वहाँ पर एक बात आइसोलेशन की स्थिति, वो बाहर के समाज से बिल्कुल कटे हुए एक स्थिति बनाई हो, उस लिंक को बनाना हो आपको, जो परस्परावलंबन वाला जो मामला जी वही वहाँ उसको तोड़ना नहीं चाहिए। आप एक अकेले एक बनाने की कोशिश न करनी चाहिए, परस्परावलंबन की मामला जो है उसको करना चाहिए, लेकिन ये जो परावलंबन का मामला है उसको कम्प्लीटली तोड़ना चाहिए। लेकिन गांव के लिए एक बहुत जो कुछ दलित विचारक है वो ऐसा कहते हैं कि गांव हमारे देश में शोषण का सबसे बड़ा, एक्सप्लॉइट करने का सबसे बड़ा ठिकाना रहा है हमेशा से, और महानगरों ने स्थिति दी बराबरी का दर्जा वो सिटीज़ नागरिकों को मिला है। तो इस स्थिति के लिए क्या कुछ रास्ता है कि ये अस्पृश्यता जो है उससे बाहर, अनटचेबिलिटी से आदमी बाहर कैसे निकल गया है? इसलिए वास्तव में हमारे एजुकेशनल सिस्टम को जो करना चाहिए यही सब करना चाहिए, वास्तव में बच्चों के मन में ये भावना बिठाना क्लास वन से कि पीपल आर इक्वल्स, कोई इसमें छोटा मोटा नहीं है, सब रिलीजन्स बराबर है, मनुष्य बराबर है। इतनी छोटी सी लेसन, सिंपल लेसन, इसको हम नहीं सिखा पाया,
हर चीज़ पर ये सिखाया जा रहा है मनुष्य इक्वल नहीं, ठीक है, इक्वल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षा के नाम से जो करना चाहिए था उसको हमने किया नहीं, शिक्षा के नाम से जो नहीं करना चाहिए था उसको हम कर लिए हैं। अब हमारे देश के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ये कहने में क्या दिक्कत है कि मनुष्य बराबर है, ठीक है, मनुष्य में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो ये जो शिक्षा पद्धति से जो अचीव करना चाहिए था वो अचीव नहीं किया, इसलिए लोग ये कहने लगे अरे साहब यहाँ तो शोषण का अड्डा है, शहर की ओर भाग। शहर की ओर भागना समस्या का हल नहीं है, क्योंकि शहर में रखा क्या है? अगर वो सब स्लम्स में जी रहे हैं, कौन से बड़े महल में जी रहे हैं? शहर में वहाँ जरूर मैं अपने जाति से मुक्त हो गया, ये भावना हो सकता, कोई मुझे जानता नहीं, लेकिन आवश्यकता न जानने का नहीं है, जान के भी सब लोग बराबर ये समझना ज़्यादा नहीं। वो मेरी कई लोगों से बात, उनका वो बड़ा नर्क था हमारे लिए, ये उससे थोड़ा छोटा है। हम यहाँ थोड़ा सा ठीक सी स्थिति में, हम रोज़ एक अच्छी आमदनी है हमारे पास, वो 200 रुपये 400 रुपये बहुत है, और वहाँ पे हमारे पास ये भी नहीं था, और ऊपर से इज्जत भी नहीं। बिल्कुल, यहाँ कम से कम थोड़ा पैसा है, थोड़ा पैसा ना भी हो इज्जत तो है थोड़ी सी, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए शॉर्टकट ढूंढ लिया हमने। वास्तव में प्रॉब्लम वही सॉल्व होना चाहिए जी, ठीक है। तो गाँव में ये समझना सब लोग इक्वल है, गाँव में जो रिसोर्सेस है उसको सही ढंग से बांटना, शिकायत इसलिए है ना कि जमीन सब ठाकुर साहब ने कब्जा कर लिया और दलितों को कुछ नहीं दिया, शिकायत तो ये है। इससे भी ज़्यादा शिकायत है शोषण बहुत, दूसरी तरह का बॉन्डेड लेबर है, इसलिए मेरे पास एसेट्स नहीं है, इसलिए मैं बॉन्डेड लेबर हूँ, बॉन्डेड लेबर मेरे पास कुछ नहीं है। तो गाँव के रिसोर्सेस बटा नहीं है, गाँव में मनुष्य मनुष्य को बराबर नहीं समझ रहे हैं, इसलिए लोग बाहर भाग रहे हैं। समस्या का हल तो हुआ नहीं, नहीं वापस जाएंगे तो गांव में तो वही जो पहले था, इसलिए समस्या का हल खोजने के बदले हम लोग सब भाग के अपने अपने समस्या का हल खोज रहे हैं, मगर समाज के पूरे समस्या का हल नहीं खोज रहे हैं कि गाँव में ही रहना, गाँव में सब एक दूसरे को इज्जत करना, गाँव में एक दूसरे को बराबर समझना ग्राम स्वराज का एक तत्व है। उसमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ उसको इनपुट देना चाहिए कि सोशलिज्म खाली बोलने की चीज़ तो है नहीं, पार्टी का नाम तो सोशलिस्ट रख दिया लेकिन सोशलिज्म कहीं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए सोशलिज्म सर्वोदय ये सब खाली सिद्धांत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसको प्रैक्टिस करने की हमें मानसिकता नहीं है, इसलिए हमने विषमता को दूर करने का एक रास्ता खोज लिया कि भागो यहाँ से, बाहर खड़े हो जाओ और दूसरे कहीं जाकर समस्या का हल खोजो। तो जब तक अम्बेडकर साहब ने भी यही कहा कि जल्दी से जल्दी शहर की ओर जाओ, इसलिए वहाँ बराबरी का दर्जा मिलेगा, वो तो समस्या का हल नहीं है। अभी मैं पूरे देश में देखा, पंचमी लैंड है तमिलनाडु में, ये दलितों के लिए निर्धारित ज़मीन है, उस पर भी बड़े लोग कब्जा किए हैं। गैरान ज़मीन है महाराष्ट्र में, दलितों के लिए गरीबों के लिए रखा, उस पर भी बड़े लोगों ने कब्जा किया है। तो रिसोर्सेस का बंटवारा न होने के कारण बराबर का दर्जा नहीं है, शिक्षा ठीक से नहीं होने के कारण हमने सबको बराबर नहीं समझा। तो रिसोर्सेज का बंटवारा, सही शिक्षण पद्धति हमारे देश के लक्ष्य होना चाहिए। ये शिक्षण पद्धति क्या हो, ये सवाल बनता है कैसे समाज के बीच में, जैसे क्या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शिक्षा दी जाए लोगों को, क्या भाषा के आधार पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है? मैं शिक्षण पद्धति में कह रहा था कि सब लोग बराबर है ये समझने वाला है, एक शिक्षा जो है इसकी ज़रूरत है, बाकी तो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग की बात है कि अलग अलग लोगों को क्या नहीं, क्या भाषा के आधार पर कुछ हमें कुछ नए तरीके प्रयोग, जैसे एक रूपता नहीं है, आपने जैसे पहले बताया हम पूरे जो गोंडी वाले हैं उनको हम हिंदी बताने पे तुले हुए हैं, हिंदी वालों को अंग्रेजी बताने पे तुले हुए हैं, तो वो सबको अपनी अपनी भाषा से बाहर निकाल रहे हैं एक जैसा बनाने की कोशिश में, तो क्या इस तरह का भाषा को लेकर भी कुछ प्रयोग की ज़रूरत है? और किस किस तरह के प्रयोग होना चाहिए भाषा को लेकर, स्थानीय स्तर पर शिक्षा को लेकर बच्चों को सिखाने के लिए स्थानीय भाषा के अलावा कोई चीज़ नहीं है। और ये जो कोशिश है कि हिंदी में सिखाओ अंग्रेज़ी में सिखाओ, उसमें तो बहुत नुकसान कर रहा है, बच्चे उसको कॉम्प्रहेंड नहीं कर पाए। तो ये जो शिक्षण का पूरी पद्धति जो है जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं, वो मेन स्ट्रीमिंग के जो मुख्य धारा में लाने के खेल का एक भाग है, उससे मुक्त होने की जरूरत है, क्योंकि स्थानीय रूप से उसके लिए मैंने कहा प्लुरालिटी को जिस तरह रेस्पेक्ट करेंगे, विभिन्नता को जिस तरह रेस्पेक्ट करेंगे, आप वो विभिन्नता के अंदर सारे रास्ता खोज लेंगे। विभिन्नता भाषा की दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से, वेश की दृष्टि से, नाच की दृष्टि से,
सभा उन विभिन्नताओं को जिस दिन अप्रिशिएट करेंगे